तो सपोज अब हम करने जा रहे हैं यूजिंग अदर मेथड, दैट इज ऑल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक बार आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले पता हैं, तो आप आसानी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय नॉट फॉलोइंग दैट लॉन्ग इंटीग्रेशन मेथड, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है डीवी क्या होता है, माइनस का जी डी आर। ओके लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट वील स्टार्ट फॉर दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ओके सो लेट्स राइट, ये हमारा मान लो पॉइंट मास है एम एस, और इसकी किसी आर पी की दूरी पर, ये पी पॉइंट है, हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो हम इसका क्या फायदा उठाएंगे, हम ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट इज जी एम एस बाय आर स्क्वायर। ओके रिमेंबर, अगर आप सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप प्लस लगाएं, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप माइनस लगाएं। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप स्केलर फॉर्म में करना चाहते हैं स्केलर, इन दैट केस यूज सिंपली जी डी आर। ओके एंड अगर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं देन यू यूज माइनस का जी डॉट डी आर एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर डेरिवेशंस। आप पूछेंगे सर ये कैसे और ये कैसे, वेल उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो जी डी आर है ये टोटली पॉजिटिव टर्म है और डी वी नेगेटिव था तो माइनस बाहर लगा दिया, और यहाँ पे जो टर्म ये पॉजिटिव डी वी है, ये डी वी को पॉजिटिव मान के लिखा गया, दैट्स इट, और कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे जी और डी आर दोनों पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ना, हम यहाँ पे देखिए, और ये एक प्रॉपर इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आया था। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, पीछे डेरिवेशन में मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा इस बात को एक हाइलाइटर लगा के, कि ये डी वी नेगेटिव था, यहाँ पे ये डी वी नेगेटिव नहीं है, ये डी वी पॉजिटिव है, इसलिए जी डी आर का प्लस लगा के सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे, तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाया था आपको, अभी रिमेंबर, तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। बट रिमेंबर कि वेक्टर फॉर्म में हम माइनस का जी एम बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है। और डी आर हमेशा एक इंक्रीमेंट होता है। देखिए मैं डेरिवेशन जो करता हूँ वो ये ध्यान में रख के करता हूँ कि डी एक्स डी वाई डी जेड ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इससे इससे मेरे को एक बात पता रहती है कि मुझे डी आर के साइन के बारे में नहीं सोचना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं, ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूँ, डी वी नेगेटिव था और जी डी आर एक पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि जी आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, जी एम और आर दोनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव चीज़ें, माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि डी वी अपने आप में नेगेटिव था, पीछे जाके डेरिवेशन में चेक करिए। वहीं यहाँ पे जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ स्केलर फॉर्म में, मैं फ्रेश लिख रहा हूँ डी वी, मान के कि ये पॉजिटिव है और जी डी आर, ठीक है, ये एक पॉजिटिव टर्म डी वी सोच के लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने माइनस साइन ऑमिट कर दिया है। और वहीं अगर आपको इस सब झंझट में नहीं पड़ना तो आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव जी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का, मैं ऐसे ही कर रहा हूं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैं चेंज नहीं कर रहा, ये तो ऐसी का ऐसा आया था। सो वी हैव डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जब भी हम एक पॉइंट मास के लिए सिर्फ पोटेंशियल निकालते हैं, आपको याद होगा पोटेंशियल का मतलब होता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर मास को लाना, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और किसी पॉइंट पी पे, सिर्फ पी लिख लो, और वी देन वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ जी डॉट डी आर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मास है एम एस और ये हमारा पॉइंट है पी, ठीक है। नाउ ध्यान से देखें, अगर जी वेक्टर की बात करें तो एम नॉट वन यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स जो होता है वन यूनिट मास पे, उसको हम जी बोलते हैं, तो वो ऑब्वियसली इधर की तरफ लगेगा, यानी कि माइनस का जी एम एस बाय आर स्क्वायर आई कैप, क्योंकि ये दिशा प्लस आई होती है और ये दिशा माइनस आई, तो मैंने माइनस लगा दिया, और जो डी आर है वो इधर की तरफ है, तो वो होगा डी आर आई कैप, आई रखते हैं इसको ताकि ये हट जाए, इन्फिनिटी से
आर पी जी एम एस बाय आर स्क्वायर माइनस आई डॉट विथ डी आर प्लस आई। इतनी क्लैरिटीज आपको कहीं भी नहीं पता चलेगा डेरिवेशन, बता रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को साइंस में। खैर माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ आर से आर पी और आई डॉट आई वन होता है, ठीक है। सो वन बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, दैट्स इट। सो वी हैव वी पी माइनस वी इन्फिनिटी। फाइनली वी पी, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे जीरो मान रहे हैं और आएगा भी जीरो, देख लेना। माइनस का वन बाय आर इन्फिनिटी से आर पी, तो वी हैव जी एम एस। जब भी माइनस साइन और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करें, एंड दैट इज हाउ वी गॉट द डेरिवेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन जी डॉट डी आर। वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, देखिए आ गया ना जीरो, तो इट इज माइनस का जी एम एस बाय आर पी। ओके रिमेंबर दैट वी पी माइनस वी इन्फिनिटी क्या आया, ये नोटिस करिएगा, खोल के देखिए। जी एम एस बाय आर इन्फिनिटी माइनस जी एम एस बाय आर पी। अब एक कन्फ्यूजन बच्चों को ये भी होता है कि पहला टर्म तो वी पी है, यहाँ पहला टर्म इन्फिनिटी है, यहाँ दूसरा टर्म इन्फिनिटी है, दूसरा टर्म एक्चुअली पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि पी अगर पहला पॉइंट है, यहाँ भी पहला पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे इन्फिनिटी पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए लिखा होना चाहिए। एक्चुअली लिखा वैसे ही है, देख लो। वी पी माइनस वी इन्फिनिटी माइनस का जी एम एस बाय आर पी माइनस माइनस का जी एम एस बाय आर इन्फिनिटी, ये ऐसे ही लिखा होता है। और इसलिए हमेशा याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, नेवर फॉरगेट दिस फैक्ट। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर कर रहे हो, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड कर रहे हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा जब भी डिफरेंस इन पोटेंशियल मांगा जाएगा, आप फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत मदद करती है ये चीज़, जो आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। हमने तो सॉल्व करने के, आसान करने के लिए इसको लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट खोला, ताकि दो बार ऐसे माइनस माइनस तक करना पड़े, अल्टीमेटली खुलता तो पहले आर पी ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। चलिए ये हमारा डेरिवेशन खत्म हुआ। अब